नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, खबर वसई विरार महानगर पालिका चुनाव को लेकर। पिछले ढाई साल से लगभग वसई विरार महानगर पालिका चुनाव जो कि लगातार कई कारणों से टलते गए। सबसे पहले कोविड के हिसाब से चुनाव टले, उसके बाद में ओबीसी आरक्षण का मसला अटका हुआ था, और उसके बाद में जो प्रभाग रचना थी वो चेंज हुई थी। तो इन कारणों से महानगर पालिका चुनाव अटके पड़े थे। अब उन महानगर पालिका चुनाव की फिलहाल प्रक्रिया जारी है, लेकिन इसी में आज एक खुश खबर उन लोगों के लिए आई है जो कि चुनाव में आस लगाए बैठे थे कि चुनाव में भागीदारी ले। हम बात कर रहे हैं ओबीसी समाज की। ओबीसी समाज को काफ़ी बड़ा झटका लगा था, और ओबीसी समाज को ओबीसी जो आरक्षण था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको आरक्षण को पूरे को रद्द कर दिया था और मान्यता आरक्षण की खत्म कर दी थी, जिसके बाद में कहीं ना कहीं ओबीसी समाज जो चुनाव में भागीदारी को लेकर असमंजस में था, तो उसी का सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को मंजूरी अब दे दी है। लगभग 27% के आसपास ओबीसी आरक्षण मंजूर हुआ है, और उसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था कि जहां अब तक चुनाव नहीं हुए वहां पर ओबीसी आरक्षण के साथ में चुनाव करवाए जा सकते हैं। तो इसी कड़ी में आज वसई विरार महानगर पालिका के आरक्षण का फिर से आरक्षण सोडत कार्यक्रम हुआ। आपको बता दूं कि इस चुनाव के लिए तीसरी बार है जब आरक्षण सोडत कार्यक्रम हुआ है। पहली बार फरवरी मार्च 2020 में हुआ था, लेकिन तब चुनाव नहीं हुए, कोविड आ गया। उसके बाद भी दूसरी बार अभी हाल ही में 31 मई 2022 में हुआ, लेकिन तभी भी अभी तक चुनाव नहीं हुए थे, और अब आज ये सोडत कार्यक्रम हुआ है। तो इस सोडत कार्यक्रम में आज जो फाइनल लिस्ट जाहिर की गई है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 42 वार्ड है, लगभग 32 ऐसा कैंडिडेट रहेंगे जो ओबीसी समाज के उसमें भागीदारी ले सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्क्रीन पर इन 42 वार्ड की स्थिति है। ए बी सी तीन नगर सेवकों का पैनल है, नगर सेवक या नगर सेविका उनका पैनल रहेगा। उस पैनल में ए वर्ग, ज्यादातर ए वर्ग है, वो रिजर्व है, या तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या फिर ओबीसी के लिए। ज्यादातर ए पूरा रिजर्व है, बी है वो महिलाओं के लिए है, सामान्य महिलाओं के लिए, और सी है वो सामान्य पुरुषों के लिए है। कुछ एक जो है वार्ड पैनल उसमें गट ए बी ए सी उसमें कुछ एक फेरभार है, बाकी ज्यादातर ए गट में आरक्षित लोगों के लिए रहेगा, बी गट जो है महिलाओं के लिए रहेगा, और सी गट सर्वसामान्य जनरल रहेगा। तो यह कार्यक्रम आज पीरार के पद्मश्री भावसा वर्तक हॉल में रखा गया, और इस कार्यक्रम के बाद में वसई विरार महानगर पालिका के कार्यकारी इंजीनियर राजेंद्र लाड ने क्या कुछ इसके बारे में जानकारी दी, वो आप आगे वीडियो में देखिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सर, काय सांगाल, आज आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आलेले आहे, कशा पद्धतीचे आरक्षण सोडत आहे, काय सांगाल? वसई विरार महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूक 2022 करिता एकूण 126 जागा होत्या 42 प्रवाहामध्ये, त्यामध्ये 5 जागा अनुसूचित जाती करता, 6 जागा अनुसूचित जमाती करता, 34 जागा या ओबीसी करता, आणि इतर ज्या जागा होत्या सर्वसाधारण म्हणून होत्या, अशा म्हणून टोटल 126 जागा होत्या। अनुसूचित जातीच्या ज्या 5 जागा होत्या त्याच्यापैकी 3 जागा महिलांसाठी, अनुसूचित जमातीच्या 6 जागा होत्या त्याच्यापैकी 3 जागा महिलांसाठी 31/5/2022 रोजी जे सोडतीची प्रक्रिया राबवली त्यामध्ये ते निश्चित झालेलं आहे। त्यानंतर आज निव्वळ सर्वसाधारण महिला नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलासाठी आरक्षण काढण्यात आलं, आणि सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षण काढण्यात आलं। हे दोन आरक्षणाचे टप्पे हे ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाल्यानंतर अंतिम केलेले आहेत। शारदा विद्यालय, उत्कर्ष विद्यालय। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।